नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि इंग्लिश में है। हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखे। तो आइए सीखते हैं। ये स्टोरी है अ लायन एंड अ माउस। तो आइए देखते हैं। अ लायन एंड अ माउस। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस, बहुत समय पहले की बात है। कौन वहाँ रहते थे? कौन? अ लायन, एक शेर, एंड अ माउस, एक शेर रहता था और एक चूहा रहता था। वन डे द लायन वाज स्लीपिंग, एक दिन, वन डे द लायन, शेर जो है वो क्या कर रहा था? वाज स्लीपिंग, सो रहा था। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट, और जो चूहा है वो प्रारंभ किया, क्या प्रारंभ किया? खेलना प्रारंभ कर दिया। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट, शेर जो है सोया हुआ था उसके ऊपर माउस ने प्ले करना स्टार्ट कर दिया, खेलना स्टार्ट कर दिया। द लायन वोक अप, लायन शेर जो है वो जाग गया, वेक का सेकेंड फॉर्म वोक, लायन जो है वो जाग गया। ही कॉच अप द माउस, उसने माउस को कॉच कर लिया, पकड़ लिया। एंड वाज गोइंग टू किल, और वह उसे मारने ही जा रहा था। किल का अर्थ होता है मारना, तो उसने उसे पकड़ा, शेर ने चूहे को, और वह उसे मारने ही जा रहा था। द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस, तो चूहे ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, क्या निवेदन किया? फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा कर दीजिए। चूहे ने निवेदन किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, उसने माफ़ी मांगी। द लायन लेट हिम गो, और शेर जो है वहाँ से चला गया, उसको छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, द लायन कॉच इन अ नेट, शेर पकड़ा गया एक नेट में, जाल में शेर को फंसा लिया गया था। द माउस कट द नेट, तब चूहे ने कट किया, किसको? नेट को। विथ हिज टीथ, किससे? अपने दांतों से। चूहे के जो दांत हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, तो चूहे ने अपने नुकीले दांतों से उस नेट को, जिस नेट में शेर फंसा हुआ था उसको अपने नुकीले दांतों से काट दिया। द लायन वाज फ्री, शेर जो है वो स्वतंत्र हो गया। ही थैंक द माउस, उसने चूहे को धन्यवाद दिया। इससे शिक्षा मिलती है, मॉरल है, डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा होगा। तो यह बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसी प्रकार की और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।